मैं रेणु मिश्रा, हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में विशेषण पर चर्चा करेंगे कि विशेषण क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और उसके भेद क्या होते हैं। आइए सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण गुण के आधार पर, दोष कमी के आधार पर, संख्यात्मक रूप पर तथा परिमाण अर्थात तौलने मापने गिनने पर प्राप्त फलों के आधार पर उनकी विशेषता बताने का काम विशेषण का होता है। इसी श्रृंखला में विशेष शब्द क्या होता है? बच्चों, विशेष वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष कहलाते हैं। जैसे पीला फूल, तो पीला यहाँ विशेषण शब्द हुआ और फूल विशेष, यानी कि फूल जो है वो संज्ञा शब्द के अंतर्गत आता है, तो फूल विशेष के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से विशाल भवन, तो विशाल विशेषण और भवन विशेष यानी कि संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आइए अब ये देखते हैं कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आइए अब इसके बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले है संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सभा में 30 व्यक्ति उपस्थित हैं, कक्षा का हर एक छात्र होशियार है, दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है। तो बच्चों, जहाँ पर जो सब संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बताते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत मानते हैं। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, छठा, 20, 8, यहाँ हमको संख्या का ज्ञान है कि इतनी ही यहाँ पे संख्या है, तो इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब ये देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्या विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ कपड़े, कई पुरुष इत्यादि, यहाँ हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पर कितने कपड़े हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। या जैसे है कई पुरुष, तो यहाँ हमें पुरुष की संख्या का ज्ञान नहीं है कि कितने सारे पुरुष हैं, तो ये भी अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण। बच्चों, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप आदि का ज्ञान होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की बहुत सुंदर है, या वो बहुत ही खराब स्वभाव का है, फिर रामपुर स्वच्छ शहर है, वह काला घोड़ा है, रमेश बहुत दुबला व्यक्ति है। तो यहाँ पर हमको किसी चीज़ के रूप, रंग, गुण, दोष, अवस्था और आकार के बारे में पता चल रहा है, तो ये जो है वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे अगर हम एक बार फिर से इसकी परिभाषा को परिभाषित करें, तो जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण
कहते हैं। फिर बच्चों हमारा तीसरा विशेषण है परिमाण वाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी वस्तु के नापने तोलने का पता चले उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 4 किलो चीनी चाहिए, मुझे 5 लीटर दूध चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, उसने 3 मीटर कपड़ा लिया इत्यादि। बच्चों परिमाणवाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा देखिए, जो विशेषण शब्द निश्चित माप तौल बताते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 मीटर कपड़ा, 4 लीटर तेल इत्यादि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल नहीं बताते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी दाल, कम अनाज, अधिक गर्मी, ज़्यादा चीनी इत्यादि। यहाँ पर हमको किसी भी वस्तु के बारे में उसका निश्चित ज्ञान नहीं मालूम पड़ रहा है कि उसे कितनी दाल चाहिए, अनाज ज़्यादा कम कितने किलो है, गर्मी का टेम्परेचर नहीं मालूम है, तो ये अनिश्चित काल के अंतर्गत, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है बच्चों सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आए तथा विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बतलाए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बतलाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वे मूर्तियाँ अच्छी हैं, कौन आदमी मेरा काम करेगा, जो पुस्तक है वह अच्छी है इत्यादि। तो यहाँ पर ये कौन जो ये सार्वनामिक विशेषण हैं। और इसके अलावा यह वह सर्वनाम शब्द है जो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत भी आते हैं। बच्चों विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष कम ज़्यादा होते हैं, इसी विशेषता को विशेषण की अवस्थाएं कहते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले है मूलावस्था, उसके बाद है उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमा अवस्था। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर देखिए कि ये क्या होते हैं। मूलावस्था में अगर हम किसी चीज़ को विशाल कहते हैं तो वो उत्तरावस्था में विशालतर हो जाता है और उत्तमा अवस्था में विशालतम शब्द में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरीके से अच्छी का अधिक अच्छी, सबसे अच्छी, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, उच्च, उच्चतर और उच्चतम, ये हमारी विशेषण की अवस्थाएं हैं। बच्चों आइए एक बार हम फिर से दोहराते हैं कि अभी तक हमने विशेषण के बारे में क्या क्या पढ़ा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष संख्या मापतौल आदि बताते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। बच्चों इसी विशेषण से संबंधित मैंने आपको यहाँ पर कुछ गृहकार दिए हैं। जो ये आपको मैंने गृहकार दिए हैं, वीडियो को अच्छे तरीके से देखकर, सबकी परिभाषा भेद देखकर आपको उससे आधारित आपको अपने गृहकार नोटबुक में राइट डाउन करना है। धन्यवाद।